आजाद हैं आजाद रहेंगे श्रृंखला की इस कड़ी में दोस्तों आपका स्वागत है। अभी तक के हुए 5 एपिसोड में मैंने आप लोगों से ऐसे क्रांतिकारियों के विषय में बात करी जिनके बारे में इतिहास बड़ा कम कहता है। आज भी हम बात करने वाले हैं एक ऐसे क्रांतिकारी के विषय में जो सचिन नाथ सान्याल के सहयोगी थे, चंद्रशेखर आजाद के साथ वो बैठा उठा करते थे और राम प्रसाद बिस्मिल के बहुत अच्छे मित्र हुआ करते थे। काकोरी कांड में इनका हाथ बड़ा जोरदार था और भारत में क्रांतिकारियों को बम बनाने की जो कला मिली वो इन्हीं से मिली थी। जी हाँ, बात करने वाले हैं एक ऐसे ही क्रांतिकारी के विषय में जिनके बारे में इतिहास बड़ा कम कहता है। आज जानते हैं राजेंद्र लाहिड़ी के विषय में। मैं मर नहीं रहा बल्कि स्वतंत्र भारत में पुनर्जन्म लेने वाला हूं। यह बात राजेंद्र लाहिड़ी ने 17 दिसंबर 1927 को फांसी के फंदे को चूमते हुए कही थी। आज आप सोच रहे होंगे कि क्लाइमेक्स की बात मैंने यहीं से क्यों शुरू कर दी। कि राजेंद्र लाहिड़ी का जज्बा ही कुछ ऐसा है, जब उनको आप पढ़ने बैठे ना तो आपके अंदर देश प्रेम की भावना भरती चली जाती है। उनके जज्बे को देख करना बस मन हर बार एक ही चीज कहता है कि ऐसा वीर जो हमारे इस देश में पैदा हुआ उसको इतिहासकारों ने भुला दिया, उसको इस देश ने भुला दिया। राजेंद्र लाहिड़ी का जन्म 23 जून 1901 को बंगाल के पाबना जिले में हुआ था। इनके पिता का नाम क्षितिमोहन शर्मा और माता का नाम बसंत कुमारी था। इनके पिता अनुशीलन समिति के सदस्य थे और बंगाल में क्रांति के कारण जेल में थे। प्रारंभिक शिक्षा के लिए इनको इनके मामा के यहां वाराणसी भेज दिया गया और वहीं पर आगे चलते हुए इन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में दाखिला लिया और वहां पर अपनी पढ़ाई शुरू कर दी। ओजस्वी वक्ता थे और पढ़ने में बहुत अच्छे। इसी दौरान इनकी मुलाकात होती है सचिंद्रनाथ सान्याल से। जी हाँ, सान्याल बाबू, इनके विषय में हम लोगों ने पहले बात की हुई है आजाद हैं आजाद रहेंगे में। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, वहां से उनके बारे में जानिएगा। इनकी मुलाकात होती है और राजेंद्र लाहिड़ी और सचिंद्रनाथ सान्याल अच्छे मित्र बन जाते हैं। उसी दौरान सचिंद्रनाथ सान्याल एचआरए की स्थापना करने जा रहे थे। राजेंद्र लाहिड़ी से मुलाकात होने के बाद उन्होंने कहा कि चलो साथ में मिलकर एक संगठन बनाते हैं और तब एचआरए की स्थापना हुई, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। इसके अन्य सदस्य थे राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, चंद्रशेखर आजाद, रोशन सिंह। उसी दौरान क्या हुआ कि अंग्रेज अधिकारी लगातार भारतीयों को लूटते जा रहे थे। भारतीयों से वो सोना चांदी गहने अशर्फियां सब लूट लिया करते थे। तब इन लोगों ने एक योजना बनाई कि काकोरी में ट्रेन लूटना है। अंग्रेजों की एक ट्रेन जो काकोरी से गुजरने वाली थी उस ट्रेन में भारतीयों से लूटा हुआ सोना चांदी जा रहा था। इन लोगों ने कहा इस ट्रेन को तो लूटना, चाहे कुछ भी हो जाए। सवाल उठे कि ट्रेन को लूटेंगे तो अंग्रेजी सैनिक हमारे पीछे पड़ जाएंगे। तब चंद्रशेखर आजाद एक बात कहते हैं, बोलते हैं कि अपने देशवासियों को लूटकर पैसे तो मिल जाते हैं लेकिन उन्हीं के बीच में बदनाम हो जाते हैं जिनके लिए हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं, इसलिए अंग्रेजों का सोना तो लूटना ही है। तब राजेंद्र लाहिड़ी बोलते हैं अरे पंडित जी, अंग्रेजों का सोना, वो तो हमारा ही सोना लिए जा रहे हैं। यह बात सुनकर तो फिर एचआरए में ठहाके दौड़ गए। अब काकोरी में ट्रेन लूटने की पूरी तैयारी हो चुकी थी, सभी लड़ाके हमारे वहां पहुंच चुके थे, कुछ ट्रेन में थे कुछ ट्रेन के बाहर थे। काकोरी के पास ट्रेन पहुंचती है, चेन खींची जाती है, गोलियों की बौछार शुरू होती है। सभी भारतीयों कह दिया था कि अंदर रहें बाहर ना निकलें, उनको कुछ नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा, हम यहां केवल सोना लूटने आए हैं या खजाना लूट के हम यहां से लेकर जाएंगे। और काकोरी कांड सफलतापूर्वक संपन्न होता है। हमारे सभी साथी अंग्रेजों से सोना लूट कर चले जाते हैं। अंग्रेज सरकार के मुंह पर यह तमाचा था, वह हिल गई, धर पकड़ चालू हुई, हर तरफ अंग्रेज सिपाही दौड़ रहे थे। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, रोशन सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। चंद्रशेखर आजाद तो आजाद थे, वो कहां किसी के हाथ आने वाले। उसी दौरान सचिंद्रनाथ सान्याल ने राजेंद्र लाहिड़ी को बम बनाने की तकनीक सीखने के लिए भेज दिया। उन्होंने इसके प्रशिक्षण के लिए बंगाल को चुना। राजेंद्र लाहिड़ी बंगाल पहुंचते हैं और वहां पे बम बनाने की ट्रेनिंग लेते हैं। लेकिन उसी दौरान एक हादसा हो जाता है और हादसे में
अंग्रेजों को पता चल जाता है कि यहां पे बम बनाने का कार्य हो रहा है। अंग्रेज सिपाही वहां पे दबिश देते हैं और सभी क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। राजेंद्र लाहिड़ी भी उसमें शामिल थे। राजेंद्र लाहिड़ी को 10 साल के कारावास की सजा सुनाई जाती है, लेकिन उसी दौरान काकोरी कांड का भी फैसला आता है और यह पता चलता है कि राजेंद्र लाहिड़ी भी उस काकोरी कांड में शामिल थे। अंग्रेज यह बात हजम नहीं कर पाए कि भारत का क्रांतिकारी ऐसी घटना को अंजाम दे सकता है। राजेंद्र लाहिड़ी को 17 दिसंबर 1927 को फांसी की सजा देने की घोषणा की जाती है। फांसी में कुछ दिन था, लेकिन राजेंद्र लाहिड़ी अपनी दिनचर्या को नहीं छोड़ रहे थे। लगातार पढ़ाई करते थे और कसरत किया करते थे। अंग्रेज अधिकारी यह देखकर हतप्रभ रह गया कि मौत की तरफ बढ़ता यह सेनानी आज भी कसरत कर रहा है। उत्सुकता बस पूछते राजेंद्र लाहिड़ी से कि तुम यह कसरत क्यों कर रहे हो, पढ़ाई तो समझ में आती है पर यह कसरत किस लिए। राजेंद्र लाहिड़ी गर्व से कहते हैं, मैं अपने शरीर को बलिष्ठ बना रहा हूं, अगला जन्म मेरा हुआ तो बलिष्ठ शरीर के साथ होगा और तब मैं अंग्रेजों को छोड़ूंगा नहीं। यह बात सुनकर अंग्रेज अधिकारी का मुंह छोटा सा हो गया। राजेंद्र लाहिड़ी को 17 दिसंबर 1927 को फांसी दी जाती है और फांसी के समय वह बस एक बात बोलते हैं, मैं मर नहीं रहा बल्कि स्वतंत्र भारत में पुनर्जन्म लेने जा रहा हूं। ऐसा वीर इस धरा के लिए शहीद हो गया। इतिहास के पन्ने कुछ नहीं कहते, इतिहासकार कुछ नहीं बोलते, यहां तो बस चाटुकारिता का इतिहास लिखा गया और ऐसे वीर सेनानियों की बात इतिहास के पन्नों में खो गई, धूल सी पड़ गई है उस पन्नों पर जिन पर ऐसी इबारतें लिखी गई थी। लेकिन उन धूल के पन्नों को झाड़ना हमारा कर्तव्य है और ऐसे सेनानियों के बारे में भारत देश को बताना हमारा कर्तव्य है। राजेंद्र लाहिड़ी को शशत नमन, शशत नमन। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे फिर से एक क्रांतिकारी के विषय में जिनके बारे में इतिहास शांत है। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। झलकारी बाई के शौर्य के चर्चे तो पूरे भारत में ही गूंजते हैं, लेकिन राई लक्ष्मी बाई के कद के आगे कहीं ना कहीं उनके कद को छोटा साबित कर दिया जाता है। इसे विडंबना ही कह लीजिए। इस देश की आन बान शान की रक्षा करते हुए झलकारी बाई शहीद होती हैं, लेकिन इतिहास के पन्ने उनके विषय में कुछ नहीं कहते। मैथिली शरण की कुछ पंक्तियां झलकारी बाई के विषय में यहां पर मैं आपके सामने कह रहा हूं। जाकर रण में ललकारी थी वह झांसी की झलकारी थी, गोरों से लड़ना सिखा गई वह भारत की ही नारी थी, ऐसी वीरांगना को हमारा शशत नमन, शशत नमन।